हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञी क्लासेस। आज हम आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2018 में आया हुआ पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप दिखाने जा रहे हैं, जो कि है एमसीबीयू यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश का। इस पेपर में दो खंड दिए गए हैं, खंड आ और बा। खंड आ में 14 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से किन्हीं भी 11 प्रश्नों के उत्तर देना था 100 से 150 शब्दों में, और खंड बा में 4 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना था 400 से 500 शब्दों में। तो आइए पेपर की तरफ अपन बढ़ते हैं। खंड ए यानी कि खंडा, पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य क्षेत्र बताइए। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स मेन स्कोप्स। प्रश्न नंबर 2, प्याजे के संदर्भ में बच्चों के आंकड़े एकत्रण की निर्णयात्मक विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लिनिकल मेथड ऑफ गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन विथ रेफरेंस ऑफ प्याजे। क्वेश्चन नंबर 3, अभिवृद्धि तथा विकास से क्या अभिप्राय है? वॉट इज मेंट बाई डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है? वाई चाइल्डहुड स्टेज इज कॉल्ड अमेजिंग पीरियड ऑफ लाइफ? क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की चर्चा कीजिए। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई एडोलेसेंस स्टेज? डिस्कस द इमोशनल डेवलपमेंट इन दिस स्टेज। क्वेश्चन नंबर 6, विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, शहरी मलिन बस्तियों में विकसित होती बालिकाओं की 5 विशेषताएँ लिखिए। राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग गर्ल्स इन अर्बन स्लम एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 9, लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन जेंडर रोल्स। क्वेश्चन नंबर 10, सकारात्मक एवं नकारात्मक संवेगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए एवं इनके कार्य बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एंड डिस्कस देयर फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में पैतृकात्मकता की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंटिंग इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के सामाजिक विकास में शिक्षकों के क्या कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हैं? वॉट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? क्वेश्चन नंबर 13, बालक के जीवन में स्पर्धाओं और संघर्षों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन चाइल्ड्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के समाजीकरण के सहपाठियों से मित्रता एवं लिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रेंडशिप एंड जेंडर इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब आ गया हमारा खंड बा, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन एवं निरीक्षणात्मक विधि की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, किशोर की कौन कौन सी समस्याएं हैं? इनमें से किसी एक समस्या का विवरण देकर समस्या का निराकरण प्रस्तुत कीजिए। विच आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एडोलेसेंट? डिस्क्राइब एनी वन प्रॉब्लम ऑफ देम एंड प्रपोज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17, संवेगों के विकास से क्या अभिप्राय है? विद्यालयों में संवेगों को विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? वॉट डू यू मेंट बाई डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस?
What steps must be taken in a school to ensure the proper development of emotions? Question number 18. आक्रामकता क्या है? बालक में आक्रामकता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? What is aggression? Which steps should be taken to control the aggression in a child? Thank you friends. Thank you for watching my video. Okay, best of luck for your exams.